और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बताया। ओबीसी को पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ न मिले इसके लिए कांग्रेस ने ये षड्यंत्र रचा। तो मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाया है। हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद श्री विवेक तन्खा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। उनकी याचिका पर मध्य प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी को जो पंचायतों में 27% का आरक्षण था उस पर लोग रोक लगाई है और इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस हमेशा ओबीसी की विरोधी रही है, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो और अब पंचायतों में आरक्षण का मामला हो। हमारे मध्य प्रदेश में जब से हमारी सरकार है तब से लगातार हम लोग 27% आरक्षण पर ही मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव करा रहे थे।